नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सुनी डोगरा। इस वक्त हम मौजूद है भगवती नगर में, बेस कैंप भगवती नगर में, जहाँ पे यात्री जो है अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होते हैं, यहीं पर रुकते हैं। ठीक तस्वीरें यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो यात्री हैं जो काफी ज्यादा एक्साइटेड है अमरनाथ यात्रा जाने के लिए। जैसे की शुरुआत में हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, काफी ज्यादा क्राउड था, लोगों का यहाँ पे रश लगा हुआ था, जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और वहीं पे अब धीरे धीरे यात्रा जो है वो निकल रही है। वहीं पे कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब से। कब आए आप वहाँ से? परसों। तो ये पहली यात्रा है आपकी? हाँ जी, पहली यात्रा है। तो कितनी एक्साइटमेंट हो रही है? बहुत एक्साइटमेंट है। तो आपने सुना होगा वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, यात्रा रुकी है, तो डर नहीं लग रहा? नहीं, डर कोई नहीं है। बिल्कुल डर नहीं है? नहीं है। तो घर वालों को तो डर लगा होगा, रोका होगा? उन्होंने बोला था, हमने कहा हाँ, उन्होंने तो बोला था, फिर भी हमने कहा हमने जाना है तो जाना है। मतलब कुछ भी हो जाए हमें जाना है। हाँ, जाना है। ये श्रद्धा है, इतना कुछ होने के बाद आप क्या कहेंगे? घर वालों ने रोका आपको? रोका था। क्या कहा? कहते नहीं जाना है, अभी नहीं जाना, बाद में। फिर मैं नहीं जाना है, जाना है तो जाना है। एक बार पहले जाके आए, फिर दोबारा फिर किया मन में जाना। आपको लगता नहीं कि जैसे यात्रा रुकी थी 4 से 5 दिन और हो सकते हैं, तो फिर वेट किया था हमने, मगर रुकेंगे, उसके फिर जाएंगे, जाना है। चलिए, कहाँ के रहने वाले? पंजाब, लुधियाना। पंजाब। ये सभी पंजाब से है? नहीं, ये महाराष्ट्र से। अलग अलग महाराष्ट्र से आए हैं। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या कहोगे, पहली यात्रा है? पहली यात्रा है। तो कितना एक्साइटमेंट है, कितना अच्छा? बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन क्या करे, जाना है तो जाना है। तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो जाए, तो वैसे इंडियन आर्मी तो है, वैसे कोई कुछ भी, कोई कर कुछ। इंडियन आर्मी में कितना ट्रस्ट था? 100% कि वो आपकी हर जगह बचाव के लिए, हर बचाव, क्योंकि मेरे दोस्त, मेरा भाई भी आर्मी है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं यात्री जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं और बताते चले, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही यात्री जो शुरुआत हुई थी, हर हर महादेव, और वहीं पे एक बुजुर्ग अंकल भी दिखाई दे रहे। अंकल, आपका नाम? जालिम सिंह। जालिम सिंह? सच में जालिम तो नहीं हो? कितनी उम्र है आपकी? हमारी 68। अच्छा, पहली यात्रा है आपकी? जी हाँ। तो आपको लगता है कि इस उम्र में यात्रा कर पाओगे? कर लेंगे। पैदल जाओगे या घोड़े पे जाओगे? पैदल की इच्छा होगी, पैदल नहीं, घोड़े में, कछु में भी, या हवाई। आपने सुना होगा यात्रा रुकी थी, वहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुआ है, तो डर नहीं लग रहा? नहीं नहीं, डरना क्या है, जो डरा वो मरा। सच में? चलिए, जो डरा वो मरा। यहाँ पे देख सकते हैं, एक वैन दिखाते हैं, जो कि यहाँ पे, ये पिछले दफा की बात करें, वहाँ पे ये वैन नहीं लगाई गई थी, ये वो वैन है जहाँ पे गगन दिखा रही तस्वीरें, बैग जो है वो स्कैन होके यहीं से जितने भी यात्री आएंगे वो इस वैन में, देखिएगा पहले तस्वीर गगन पास कर दे, वैन में बैग रख कर यहाँ पे स्कैन होगा, स्कैन के बाद ही यात्री को बैग मिल पाएगा। जैसे कि जो कुछ ऐसी कोई सामान ना अंदर जाए, जैसे कि नेल कटर की बात करें, सीजर की बात करें, वो सब भी हो तो यहाँ से निकाल दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े, खाने पीने का सामान ले सकते हैं। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल ये हमें देखने को नहीं मिल रहा था, इस साल ही सिर्फ हमें वैन जो है वो देखने को मिल रहे है। गर्मी की बात करें तो टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है, 32 टेम्परेचर है। और वहीं पे यात्री जो है, बगजन जो है, हर हर महादेव के नारे लगाए, हर हर महादेव लगा रहे हैं। देखिएगा कितनी एक्साइटमेंट है, और गर्मी भी है, लेकिन बाबा बर्फानी की जय हो। और कई जगह से आए हैं दर्शन के लिए, यहाँ का नजारा गगन दिखा दे। कुछ यात्री पीछे रुके हैं और सिक्योरिटी भी अच्छे से टाइट की गई है, चेकिंग की जा रही है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए किस प्रकार से यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो पहुंच चुके हैं। बेस कैंप अमरनाथ की तस्वीरें जो है वो दिखाई गई है। फिर से पता चलूंगी, वो वैन है जहाँ पर बैग जो है वो स्कैन किए जाएंगे। पिछली दफा की बात करें, पिछली दफा ये वैन जो है वो नहीं थी, इस बार की बात करें तो इस बार ये वैन जो है वो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे बैग जो है वो स्कैन करके, फिर से तो स्कैन करके, देखिए कैसे स्कैन हो रहा है, वहां पे पूरा चेकिंग हो रहा है बैग का। वो व्यूज दिखा दे गगन, किस प्रकार से क्या क्या सामान है, कोई ऐसी सामान ना हो जो कि इनको रोकना पड़े। और हर हर महादेव के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। वहीं पे लास्ट में अगर पास आ जाए, ये भगवती नगर बेस कैंप यात्रा निवास की तस्वीरें है, यात्री निवास की। यहाँ पे यात्री जो है वो यहीं से शुरू हुई थी, 30 को पहला जत्था रवाना हुआ था यही बेस कैंप से,
30 को पहला जत्था रवाना हुआ था यहाँ से, और अब फिर हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि यात्री जो है ये वो यात्री है जो कि दर्शन के लिए जाने वाले हैं, और हम कोशिश करेंगे कि यात्रियों से, वो भी यात्रियों से बात करेंगे जो दर्शन करके आ चुके हैं, जो यहाँ पे काफी दिन से रुके हैं, क्या उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं हो रही, कोई खाने में दिक्कत, कोई रहने में व्यवस्था कैसी सरकार की, ये तो ग्राउंड लेवल पे यात्रियों से जब बात करेंगे, उनसे बातचीत करके ही जानेंगे। एक महिला से बात करते हैं, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी के। कब से कब आए हो यहाँ पे जम्मू में? आज 9 दिन हुई है। 9 दिन हो गए? 9 दिन से यहाँ पे रुके? नहीं नहीं नहीं, क्यों? 4 दिन हो गए। अच्छा, 4 दिन हुए। कोई परेशानी यहाँ पे? कोई परेशानी। रहने की व्यवस्था ठीक है? हाँ ठीक। खाने की व्यवस्था सब बढ़िया है? सब, सिक्योरिटी वगैरह? हाँ। किसी से कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं है। अच्छे से आपकी खातिरदारी हो रही है? हाँ हो रही। चलिए, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो साफ तौर पर हमने बातचीत करके जाना, ग्राउंड लेवल में बात करनी चाहिए, सरकार की तरफ से इंतजाम तो काफी ज्यादा किए गए हैं, तो क्या ग्राउंड लेवल पे लोगों से भी बात करनी चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? जैसे कल की बात करें तो महाजन सभा के बाहर वहाँ पे यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी रहने की, सोने की, और वहाँ पे भी कोशिश करेंगे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी बात करेंगे, आखिरकार यात्रा तो हर साल होती है, इस बार ऐसा क्या हुआ कि यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोशिश करेंगे हर यात्रियों से बात करने की। अभी एक ही बात चल रही है, वो है अमरनाथ यात्रा जो है 62 दिन जो लगातार चलेगी, और हमने कोशिश की थी डेली द लेटेस्ट न्यूज के माध्यम से, अमरनाथ भी पहुंचे थे, वहां पे रास्ते का व्यूज भी दिखाया था किस प्रकार से क्या कुछ हो रहा है, लैंडस्लाइड हुई, पूरी कोशिश की ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट दिखाने की, और आज की रिपोर्ट है अमरनाथ यात्रा को लेके भगवती नगर बेस कैंप से दिखाई गई। और दूसरी बात करेंगे प्रेसिडेंट से कि आखिरकार क्यों अमरनाथ जाने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्यों वो लोग रोड पर सोने को आए छोटे बच्चों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज़, कैमरामैन गगन के साथ सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।